गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टार्टर फिक्सिंग हो रहा है। स्टार्टर ये वाला तो भर दिया हमने, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो रहा है और यहाँ पे भी 15 मीटर अभी रेडी हो रहा है। बूम तो हमने रोक के रखा है अभी, तो उसका भी कंक्रीट होने वाला है और प्लस डर्ट वाल और फ्लाई रिटर्न वाल के भी शटरिंग मेरी रेडी हो चुकी है, तो उसका भी अभी करेंगे हम, तो उसका मैं वीडियो दूँगा आपको। और ये देखो गटर इरेक्शन के लिए हमारी जगह भी बन गई है। बेड फॉर्मेशन जो हो रहा था वो फाइनल हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी इतना कट करना बाकी है। इसकी डिशटरिंग भी हो चुकी है तो इसको क्रिप्स को हटाना बाकी है। ऊपर से डाउन कर दिया है, प्लेट वेट निकाल ली हमने। तो यहाँ पे अभी ये डीएस से पॉइंट दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्रैश बैरियर का येलो मार्क किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तभी तो लगेगा 16 मिनट पीछे। यहाँ पे क्रैश बैरियर स्टार्टर फिक्सिंग का पॉइंट दे रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे 10 mm का बाइंडर प्लेस कर रहे हैं पहले 100-100 की स्पेसिंग पे। टॉप लेवल की लाइन दूरी लगी हुई है। यहाँ पे भी हमें रेडी हो चुका है मेरा बोर्ड साइड, अलग अलग टीम लगाई है। यहाँ पे लोग अभी स्टार्टर स्टॉपर फिक्स कर रहे हैं। इरेक्शन के लिए बेड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे डिशटरिंग भी हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा टीएस में शटरिंग का, और ये बूम तो लगा रखा है लेकिन ये आने वाला है अभी। और ये हमारे हाइड्रा वाले यहाँ पे स्टॉपर लग रहा है। अभी स्टॉपर लगने के बाद अभी इसका कंक्रीट का प्लान है, लाइन लेवल तो हो चुका है,
शेप का बना था ये बिटुमिन मैस्टिक पैड। ये एमएस पीवीसी पाइप के लिए यहाँ पे इसी शेप से यहाँ पे जो बिटुमिन मैस्टिक पैड पड़ा हुआ है ये अंदर, तो ये इसी हिसाब से 20 mm का। इसके बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ डर्ट वाल भी, ये देखिए इसकी फिनिशिंग क्रैश बैरियर के और टॉप लेवल के भी देखो, आप देख सकते हो। ये तो आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ डर्ट वाल पे। डर्ट वाल शटरिंग फाइनल हो रही है अब मेरी, आ गए हम डर्ट वॉल के ऊपर। माल मंगाओ सर, डालते हैं चलते हैं। सपोर्ट लगाओ, सपोर्ट फाइनल करो पहले।